एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यार, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि इक्लिप्स कैसे इंस्टॉल करेंगे। अगर आपने इक्लिप्स इंस्टॉल नहीं किया है तो मैंने क्या किया था कि वहाँ पे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जावा के ऑनलाइन कंपाइलर लिंक प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि ऑनलाइन भी कोड कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं ऑफलाइन कोड करने वाला हूँ। आई हैव विंडोज, तो मैं विंडोज में इक्लिप्स में कोड करूंगा। तो आज हम देखने वाले हैं कि इक्लिप्स में कैसे कोड करेंगे एंड कुछ सिंपल प्रोग्राम लाइक हेलो वर्ल्ड इन जावा। देन वी विल मूव टू सम अदर बेसिक फीचर्स। ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं फिलहाल कि इक्लिप्स में कैसे कोड करने वाले हैं एंड इक्लिप्स में कैसे करते हैं, मतलब स्टार्ट कैसे करेंगे कोड करना, कैसे क्या प्रोसेस होगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले अपना इक्लिप्स ओपन करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने अपना इक्लिप्स ओपन कर लिया। तो वेन यू ओपन और इक्लिप्स, तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो ठीक है, तो ये देखिए, तो सबसे जब आप इक्लिप्स ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करो, अपने उस पर क्लिक कर लो जावा प्रोजेक्ट पे। एंड इससे क्या होगा कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाने, मतलब जावा में क्या होता है यार कि जब भी आप इक्लिप्स में कोड करने आओगे तो इक्लिप्स विल टेल यू टू ऑर्गेनाइज योर फाइल्स। मतलब इक्लिप्स आपको ये बोला है कि भाई तुम जो भी कोड करने वाले हो तो उसको क्या करो, एक ऑर्गेनाइज तरीके में रखो। मतलब ऐसा नहीं कि तुम जैसे हम जैसे आपने कभी यूज किया हो देवसी प्लस प्लस कोड ब्लॉक्स, उनमें क्या है कि सारे फाइल्स, मतलब जैसे आपने कोड किया, सपोज यू हैव राइटेड सम ऑफ टू नंबर प्रोग्राम, तो वो वहाँ पे है, फिर आपने फिबोनाची रखा, वो उसके नीचे आ जाएगा। मतलब वो क्लब रहते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे रहते हैं वो, उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है उन कंपाइलर्स में। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो यार, यहाँ पे एक लिस्ट तो आपको बोलता है कि जो भी कोड कर रहे हो उनको एक स्ट्रक्चर में रखो। मतलब बताओ कि ये किस प्रोजेक्ट का है, किस पैकेज का कोड है, किस क्लास का है। आई थिंक क्लास वाले हो गया, मतलब किस किस प्रोजेक्ट का कोड है, किस पैकेज में आएगा। तो ठीक है, तो हमें पहले ये बताना पड़ेगा कि कौन से, मतलब हम अपने बता सकते हैं कि किस, मतलब ये किस प्रोजेक्ट के लिए है। तो मैं सिंपल प्रोजेक्ट नेम भी दे दूंगा, जावा बेसिक्स यहाँ पर। ठीक है, तो आप जब भी बनाना आप ही कर सकते हो उसे। जावा बेसिक्स यहाँ पे नाम दे दो एंड यहाँ पे क्या करो, नेक्स्ट कर दो। यहाँ पे नेक्स्ट हमने कर दिया। इससे क्या हुआ, देखो इससे क्या हुआ, यहाँ पे एक मिनट, ये क्या हुआ। ओके, हमने नाम दे दिया जावा, जावा बेसिक्स। ओके, जावा बेसिक्स, ठीक है। एंड हमने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया। देख, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट का, हमने इस पे क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब ये देखो यार, यहाँ पे ना एक प्रोजेक्ट बन गई है जावा बेसिक नाम पे। अब हमें इस पे क्या करना है, इस पे हमें फिर से करना है क्लिक। इस पे अगर आप, आपका जो प्रोजेक्ट बन गया इस पे आप राइट क्लिक करो। आप राइट क्लिक करोगे देन एक ऑप्शन आ रहा है न्यू पे, न्यू पे जाओ एंड यहाँ से जाके एक पैकेज बनाओ। तो जावा का जो भी कोड होता है ना यार, पैकेज के अंदर होता है। पैकेज अंदर क्या होते हैं, कुछ क्लास बनते हैं। ठीक है, तो आपके जो भी क्लास फाइल होगी एक पैकेज के अंदर होगी। उस पैकेज के अंदर ये बेसिकली ये सब पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे जावा में। अभी के लिए समझ लो, अभी मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करते रहो। ठीक है, तो देखिए मैंने इसके बाद यहाँ पे आप जैसे ही करोगे वहाँ क्रिएट अ न्यू पैकेज, तो सेम नेम आ जाएगा, उससे सिर्फ फिनिश कर देना आप। इसके बाद क्या करो, यहाँ पे आप क्लिक करो फिर से इसी पे जो आपका, आपने सबसे पहले क्या किया, आपने वहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाया, उसके बाद आपने क्या किया, पैकेज बनाया। पैकेज नाम सेम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सेम हमने पैकेज नाम दे दिया। उसके बाद क्या करो, आपका जो पैकेज बनाया जावा बेसिक्स, इस पे क्लिक करो फिर से। इस पे क्लिक किया, फिर से इस पे न्यू पे आओ एंड क्लास बनाओ। अब आपको क्या करना है, क्लास बनानी है। आपको क्लास मतलब क्या, आप जो अभी कोड करने वाले हो उसके बारे में पूछा कि अभी क्लास मतलब क्या, आपका जो अभी जो अपना प्रोग्राम लिखने वाले हो जावा में उसका नाम क्या होगा। जैसे आप सी प्लस में करोगे तो मान लो आपको हेलो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना, तो आप क्या लिखोगे, हेलो वर्ल्ड डॉट सीपीपी लिखोगे। यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे डॉट जावा नहीं लिखना। ठीक है, ये डॉट जावा एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली सेव कर देगा इक्लिप्स। आपको सिर्फ उसका नाम लिखना है कि आपकी जो फाइल बन रही है उसके नाम क्या रखने वाले हो। मैं बोलता हूँ कि यार इसका नाम हेलो वर्ल्ड रख दो भाई, हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब क्या करना है, हेलो वर्ल्ड तो लिख दिया। अब देखो यार यहाँ पे ना एक ऑप्शन आ रहा होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग वाला। जैसे आप सी में कोड करते हो या फिर सी प्लस में कोड करते हो, तो आप पहले क्या करते हो, आप मेन फंक्शन बनाते हो आप, क्योंकि आपका जो भी कोड होता है वो मेन से स्टार्ट होता है ना। आपका स्टार्टिंग पॉइंट आपके कोड का एंट्री पॉइंट मेन होता है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे टिक कर दो। अगर आप टिक करोगे तो क्लास के अंदर, मैंने बताया था, अगर आपने पिछले वाली वीडियो देखी होंगी तो मैंने बताया था कि जावा में कोई भी कोड होता है वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर रैप अप होता है। तो अगर आपकी जो मेन क्लास ही बनती है जावा में ना, तो वो एक क्लास के अंदर बनती है। अगर आप लेकिन सी प्लस में या फिर सी में ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक नॉर्मल हमें मेन फंक्शन बनानी होती है, वहीं से हम कॉल करते हैं। बट नहीं, जावा में क्या होता है, सबसे पहले क्लास बनता है, क्लास के अंदर आपकी मेन फंक्शन रहती है, क्लास के अंदर ही सारा कोड रहता है। एक्चुअली आपका मेन फंक्शन भी क्लास के अंदर ही रहता है। आप जो मेन कॉल हो रहा है क्लास के अंदर से कॉल हो रहा है, एंड मेन से भी कुछ भी करोगे का आप, तो जो दूसरे फंक्शन होंगे वो सारे फंक्शन क्लास के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, तो आप यही कर सकते हो कि आप यहाँ पे चाहो तो टिक कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा आपकी, आपका जो है मेन फंक्शन ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पे टिक कर दिया, मैंने टिक नहीं किया, मैंने टिक कर दिया इस पे। मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ। देखो, तो ये देखो यार, आपका ये प्रोजेक्ट है जावा जावा बेसिक्स। इसके अंदर क्या हुआ है, मैंने खुल जा भाई, इसके अंदर मैंने एक पैकेज बनाया, एक प्रोजेक्ट है जावा बेसिक, उसके अंदर एक पैकेज है जावा बेसिक के नाम से, सेम ही नाम है। उसके अंदर एक क्लास बनाया है, क्लास मतलब डॉट क्लास फाइल है, मतलब डॉट क्लास मतलब एक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम रखा है हेलो वर्ल्ड।
देखो मैंने क्या बोला था, आप जब भी आपको कोड लिखना है तो आप सिर्फ उसका नाम लिख दो कि आप जो तो प्रोग्राम लिखने वाले उसका नाम क्या होगा, आपको एक्सटेंशन नहीं देना है, एक्सटेंशन एक्लिप्स ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगा, एक्लिप्स प्रोवाइड एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा हेलो वर्ल्ड लिखा, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने डॉट जावा एक्सटेंशन इसमें ऐड कर दिया, एंड ये देखो यार। और मैंने क्या कहा था, जब मैं इसको सेव करा था उस टाइम पे मैंने मेन वाले पे क्लिक कर दिया था, मतलब हम मैंने बोला कि भाई मुझे मेन चाहिए, अगर आप नहीं मेन नहीं देते तो कुछ आपको ऐसा मिलता, मतलब सिर्फ ये क्लास फाइल मिलती है आपको, ऐसा कुछ मिलता आपको, ठीक है। तो बट मैंने बोला कि नहीं यार मुझे मेन बना के दे दो, मुझे नहीं दिखना है, अगर आप चाहो तो खुद से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे आपको इसने मेन बना के दिया था। अब देखो यार ये तो हुआ एक लिस्ट में, आप जब भी कोड करोगे सबसे पहले आपको, अगर आप सपोज कि आप कोई दूसरा कोई कोड करने वाले हो, मतलब कोई आपको दूसरा प्रोग्राम बनाना जो कि इसी टॉपिक रिलेटेड है, कुछ नहीं करना, फिर आप इस पे जाओ, जाओ जावा स्क्रिप्ट पे क्लिक करो, आप मतलब इसी पैकेज अंदर बनाना है आपको, इसी पैकेज अंदर बनाना है, जावा स्क्रिप्ट पे क्लिक करो, न्यू पे जाओ, एक क्लास बना लो नया, ये देखो कि इनपुट आउटपुट कर देते हैं, इसका नाम कुछ और दे देते हैं, इनपुट आउटपुट कर देते हैं, ये देखो इस पे मैंने मेन पे क्लिक कर दिया, और ये देखो यार ये दूसरा मेरा फाइल बन गया, यहाँ पे आप कोड कर लो, ठीक है। तो बस एक एग्जाम्पल हमें बता था कि यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, मतलब जो कोई दूसरा कोड लिखना हो वहाँ भी कर सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है कोई बात नहीं, अभी आप एक लिस्ट इंस्टॉल कर लो जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे साथ साथ में कर लो, बट व्हेन वी मूव फॉरवर्ड तो हम देख लेंगे कि आप एंड यू आर गेटिंग एंड यू विल यूज टू इट, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है क्या करना है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप अभी जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कोड कर लो, यू विल गेट टू यूज एवरीथिंग, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये कर लो, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड वाले पे यहाँ पे आते हैं, एंड यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ अब देखते हैं कि जब मैं हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करेंगे। तो यार सी प्लस में जब प्रिंट करो तो कुछ ऐसा लिखते हो, सी आउट हेलो वर्ल्ड एंड आप प्रिंट कर दोगे, सिर्फ सी आउट प्रिंट हो जाएगा, बट नहीं यार जावा में ऐसा नहीं होता है, जावा में क्या लिखना पड़ेगा आपको, लिखना पड़ेगा इसको मैं कमेंट करता हूँ यहाँ पे, इसको हटाता नहीं हूँ, कमेंट करता हूँ, इसको हटा दो यार, इससे कोई काम नहीं था, जहाँ प्रिंट करना लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये देखो यार तो ये था सी प्लस के लिए, ठीक है, ये जो कोड लिखा है मैंने सी प्लस प्लस के लिए है। आप यहाँ यहाँ पे क्या कर सी प्लस में, आपने सी आप सी आउट लिखते हो, एंड यहाँ पे आप जो लिखना है प्रिंट करते हो, सेमी कॉलम से मतलब दो ब्रैकेट के अंदर, मतलब कॉमा के अंदर, ठीक है, डबल कॉमा के अंदर प्रिंट करते हो, बट यार जावा में आपको प्रिंट करना पड़ेगा, अगर आपको प्रिंट करना है कुछ तो आपको लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये हो गया प्रिंट, मतलब एक नॉर्मल लाइन में प्रिंट कर देगा आपको, अगर आपको लाइन चेंज करके लिखनी है तो आपको लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ये थोड़ा सिंटेक्स लग रहा होगा यार बहुत बड़ा सिंटेक्स, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको इसकी आदत हो जाएगी, यू विल गेट टू यूज टू इट, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, अभी आपको सिर्फ ये अब देखना है कैसे प्रिंट करते हैं, ये हमें लिख देता हूँ, कमेंट देता हूँ, फॉर प्रिंटिंग समथिंग जावा, फॉर प्रिंट समथिंग होगा यार, ठीक है ठीक है, अगर प्रिंट करना है ऐसे होगा, लेकिन यार आप ठीक है ये तो क्या प्रिंट है, और इसको देखो आपने लिख दिया सिस्टम डॉट ऑल डॉट प्रिंट डॉट लाइक हेलो वर्ल्ड, अब इसको रन कैसे करोगे यार, ठीक है, रन के लिए कैसे क्या कर सकते हैं भैया, तो यार यहाँ पे देखो ये जो है ना स्क्रैच सर्च के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है प्ले वाला, प्ले बटन टाइप का, उस पर आप क्लिक कर दो, देखो जैसे ही क्लिक करोगे ना यार यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया आ गया, ठीक है। आई थिंक इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, कि अगर आप जैसे मैंने ये बता दिया, अगर आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना होता सी और सी प्लस प्लस में, आप क्या करते हैं सी आउट हेलो वर्ल्ड लिखते हैं यार, बट यहाँ पे आपको प्रिंट करना है ना यार, यहाँ पे आपको जस्ट लिखना है यू जस्ट नीड टू राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ सिंटेक्स थोड़ा आपको लग रहा होगा लेंदी है, बट नहीं कुछ दिक्कत नहीं, आप इसकी आदत हो जाओगे आपको, ठीक है। तो आप यहाँ मैंने ये लिखा, अब यार देखते हैं कि ये तो हो गया, ठीक है, इसको मैं रिव्यू करता हूँ, सी प्लस के लिए था ये, एंड यार आप बोलते हैं कि इनपुट जावा में इनपुट कैसे लेंगे भैया यार, तो देखो अगर आपको सी प्लस में इनपुट लेना होता तो आप क्या करते हो, एक स्कैनर बनाते हो, स्कैनर एंड यार स्कैनर बनाते हो ना, तो आप स्कैनर को डायरेक्टली यूज नहीं कर पाओगे, पहले आप कुछ हेडर फाइल इनपुट करते हैं ना ऊपर में, आप हैश इनपुट stdio डॉट h सी प्लस में यूजर नेम से std, वो सब क्या थे स्कैनर प्रिंटर, इन सब की डेफिनेशंस वहां पे थी हेडर फाइल्स में, डेफिनेशन डिक्लेरेशन जो भी कह लो आप, तो वहां पे थी, तो यार यहाँ पे हमने तो कुछ ऐसा इंक्लूड किया नहीं, हमने ये तो हमारा नॉर्मल पैकेज नहीं है, यह उसके अंदर हमारा एक क्लास है, क्लास के अंदर हमारा मेन बना हुआ है, ये तो मैंने बताया था कि जो भी जावा में होता है क्लास के अंदर बनता है, मैंने क्या किया सबसे, ये नॉर्मल हमारा पैकेज नेम है, ये बता रहा है कि किस पैकेज अंदर आपका ये कोड हो रहा है, ये हमारा क्लास नेम है, और आपका जो क्लास नेम होगा ना यार आपके प्रोग्राम के नेम के हमेशा सेम ही होगा, मतलब क्लास नेम योर क्लास नेम एंड एंड योर प्रोग्राम नेम विल ऑलवेज सेम, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये था एक कुछ पॉइंट थे, एंड दूसरा उसके बाद हमने मेन बनाया, एंड अब मैं बोल रहा हूँ यार मुझे ना इनपुट लेना है कुछ यूजर से, यार कैसे कर सकते हैं यार सब, इस इनपुट लेने के लिए ना यार आपको कुछ एक फंक्शन करना पड़ता है, वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है स्कैनर, स्कैनर कहते हैं ठीक है यार, स्कैनर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्कैनर एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपको
अपने प्रोग्राम में ऐड करना पड़ता है फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट क्या, अब ये किस पैकेज में है भैया? यार ये ना यूटिल पैकेज में है, ठीक है, यूटिल पैकेज के अंदर आता है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको अगर आपको स्कैनर वगैरह यूज़ करना है ना तो सिंपल कर लो, इंपोर्ट करना पड़ता है हमें। अगर आपने पाइथन यूज़ किया तो वहाँ पे आपको आपको पता होगा कि इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। कुछ मतलब कहीं जैसे मान लो किसी और घर में कोई सामान पड़ा हुआ है एंड हमें ना यहाँ पे अपने घर में उसको लाना है यार, तो आप क्या बोलोगे किसी को बोलोगे कि जाओ भाई ले आओ, तो भाई इंपोर्ट क्या काम करता है कि उस घर से जाएगा वो सारे सामान ला के आपको दे देगा। बेसिक शब्दों में मतलब एक नॉर्मल से एग्जाम्पल दे दिया मैंने एक समझाने के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। इंपोर्ट क्या करता है कि आपको एक्सेस दे देगा उन सभी चीज़ों को लेने का। तो हम यहाँ करेंगे इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। स्टार से क्या होता है, क्या होता है यार यूटिल स्टार से क्या होता है ना यार, कि यूटिल पैकेज के अंदर जो भी फंक्शन है वो सारे आ जाएंगे। स्कैनर नहीं, जो भी सारे फंक्शन होंगे जैसे एरर लिस्ट वगैरह, ये सारे एरर लिस्ट होता है कुछ ये सब बताया बाद में देखेंगे, बट जो भी यूटिल पैकेज अंदर जो भी कोड उनके फंक्शन होंगे सारे आपने क्या किया अपने अपने कोड में इंक्लूड कर लिए, ठीक है। ये हो गया, आपने क्या क्या स्कैनर बना लिया, आपने बना तो लिया, आपने जैसे आपने ऑब्जेक्ट तो बना लिया, अब आप उसको ऑब्जेक्ट का नाम भी तो दोगे, तो मैं इसको बोलता हूँ स्कैनर के बाद एस बोल देता हूँ, ठीक है। स्कैनर एस आप बना लिया, अब आपको इसको न्यू भी करना पड़ता है, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो उसको न्यू भी तो करना पड़ता है, उसके बाद न्यू स्कैनर, ये हो गया, ये आपका बन गया। बट यार इसके अंदर एक और चीज लिखनी पड़ती है, system.in, ठीक है। ये आपको देखो ये आपका स्कैनर बन गया। सबसे पहले क्या कि आपने स्कैनर स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि एस है, ठीक है। सबसे पहले क्या कि आपने स्कैनर क्लास बनाया उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया एस, उसको हमने फिर से न्यू कर दिया एंड हमने क्या किया उसका एंड उसके ब्रैकेट में लिखना पड़ता है सिस्टम डॉट और सिस्टम डॉट इन। अभी सब ये सब क्यों करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया, इतना लंबा क्या है, तो ये सब देखेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी यार आप सिर्फ ये देख लो कि आपको मतलब इतना समझ लो कि आप आगे वाले क्वेश्चन को कोड करने के एबल हो जाओ, ठीक है। इसलिए मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ कि क्या क्यों ऐसा हो रहा है, क्या भैया ऐसा क्यों इतना लंबा क्यों सिंटेक्स है, नहीं यार कुछ रीजंस होंगे तो हम जो हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब पढ़ेंगे वहाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल ये तो समझ में आ गया कि इनपुट लेने की यूज होता है। अभी इनपुट लेंगे कैसे, सपोज कि मुझे ना इंटीजर लेना इनपुट यार, तो मैं क्या बोलूँ, मतलब अगर सी में करना पड़ता है सी प्लस में करना पड़ता है मैं क्या लिखता हूँ, स्कैनर परसेंटेज दी, ऐसे ऐसा ही होता था परसेंटेज दी एम परसेंट करके जो भी होता था, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, बट यार यहाँ पे अगर इनपुट लेना ना तो आपको ऐसा सपोज कि मुझे इंटीजर इनपुट लेना तो मैं क्या लिखूंगा, इंट ए, सपोज कि मुझे वैल्यू लेनी एक की वैल्यू इनपुट लेनी है तो मैं क्या लिखूँ, इंट। अब देखो अब इनपुट लेने के मैंने क्या बोला, स्कैनर मैं यहाँ लिखता हूँ, कमेंट लिखता हूँ, स्कैनर इज यूज फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है। अब ये होता है स्कैनर, मैंने लिख दिया स्कैनर जो है यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है। अब देखो यार कि अब मैंने बोला कि यार मुझे ना एक ए है जो कि इंटीजर है वैल्यू, उसके मुझे इनपुट लेनी है। अब क्या करोगे यार, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, वो लिखना पड़ता है कि जब भी आपको इंटीजर की इनपुट लेना है ना फॉर इंटीजर यू नीड टू यूज एस नेक्स्ट इंट। देखो स्कैनर ऑब्जेक्ट नेम डॉट, अब यार यहाँ बताओ, अब हमारे जो अब जो हम हमने यहाँ कोड किया यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट कौन है, एस है। मैंने क्या बोला, स्कैनर एक क्लास है उसका ऑब्जेक्ट मैंने बनाया एस को, ठीक है। स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है एस, तो वही मैं बोला कि जब भी आपको इंटीजर लेना है इनपुट ना तो आपको सबसे पहले स्कैनर क्लास का जो आपके स्कैनर क्लास का जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसका नाम दे दो यहाँ पे, मतलब एस आ जाएगा डॉट नेक्स्ट इंट। इससे क्या होगा, आप एक इंटीजर इनपुट ले लोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ सिस्टम डॉट सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट, रुको एक मिनट, सिस्टम डॉट प्रिंट। अब मैं लिखता हूं कि इंटर वैल्यू ऑफ ए, इंटर इंटीजर वैल्यू करता हूँ, ठीक है। तो हमें क्लियर होगा कि मैं कौन सा वैल्यू ले रहा हूँ, इंटीजर वैल्यू ऑफ ए, ये कर दिया। अब उसके बाद मैं लिखता हूँ यार इसके बाद तो है कि अब मुझे एक वैल्यू इनपुट लेनी, अब क्या करो, मैंने क्या बोला अगर आपको इंटीजर इनपुट लेनी है आप क्या करोगे, स्कैनर ऑब्जेक्ट का जो नेम है डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, नेक्स्ट इंट है यार उसका नाम। अगर आपको इंटीजर इनपुट लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो स्कैनर क्लास है उसका उसका ऑब्जेक्ट है उसका नेम डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। यहाँ देखो स्कैनर क्लास क्या है हमारा, हम एस डॉट नेक्स्ट, ये देखो खुद से आ जाएगा यार। अगर आपको इंट लेना तो नेक्स्ट इंट आ जाएगा, अगर आपको बाइट लेना तो नेक्स्ट बाइट आ जाएगा, अगर आपको शॉर्ट लेना तो नेक्स्ट नेक्स्ट शॉर्ट आ जाएगा, स्ट्रिंग के लिए नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल करते हैं नेक्स्ट इंट, ठीक है, नेक्स्ट इंट करके दे दो कॉमा दे दो, सॉरी ये ब्रैकेट दे दो,
ओके नेक्स्ट आएगा ना यहाँ पे नेक्स्ट एंड, ठीक है। ये देखो इससे क्या हुआ, आपने नेक्स्ट एंड ले लिया यार। जब भी देखो अगर आप कुछ यहाँ पे लिखने में, जैसे मान लो मैंने लिखने में एरर कर दिया, तो ये देखो एटलीस्ट आपको बताया बताया कि यार यहाँ पे एरर है। देखो जैसे क्या लिख रहा है, द मेथड नेक्स्ट इंट नेट इंट इज अनडिफाइंड फॉर टाइप स्कैनर। ये बोल रहा है कि नेट इंट क्या मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे कर दो नेक्स्ट इंट कर दो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हो गया। अब ये देखो ये तो बात हो गई यार इंटीजर के लिए। अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं, फोर ये करते हैं, फोर डबल, फोर डबल इसका ऑब्जेक्ट है जो भी है नेक्स्ट है उसका। सिर्फ आपको क्या करना है, सेम ही रहेगा सब कुछ, बस यहाँ डबल करना है, डबल कर दो। देखो सेम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाल दो ऐसे इंटीजर वैल्यू, इंटीजर डबल, इंटर डबल वैल्यू ऑफ बी, बी कर दो यहाँ पे और नेक्स्ट के बाद डबल कर दो। देखो डबल आ गया, आपने डबल क्या, आपने क्या कर डबल इनपुट ले लिया। ओके यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा ना, क्योंकि तो मैं डबल इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। ये देखो डबल इनपुट हो गया यहाँ से। अब क्या, अब बात करते हैं स्ट्रिंग की यार। फोर स्ट्रिंग हमने क्या क्या देख लिया, इंटीजर देख लिया, डबल देख लिया, अब क्या करते हैं स्ट्रिंग की बात करते हैं। फोर स्ट्रिंग, फोर स्ट्रिंग स्कैनर डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट भी होता है और नेक्स्ट लाइन भी होता है, ठीक है। दो स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के जब आप इनपुट लोगे तो आपके आप यू हैव टू फंक्शन, नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों अभी फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट के बाद, देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या है, वो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। जब हम स्ट्रिंग को एक्सटेंसिवली यूज करेंगे तब देखेंगे कि नेक्स्ट लाइन क्यों जो क्यों यूज करते हैं स्ट्रिंग में, ठीक है। फिलहाल ये देखते हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट से क्या होगा, मतलब नेक्स्ट से इनपुट लेते इतना जान लो कि अभी आप ये समझ लो कि अगर आपको स्ट्रिंग इनपुट लेना है तो आपको सिर्फ एक्स डॉट नेक्स्ट यूज करना है वहाँ पे। अब नेक्स्ट लाइन क्यों यूज करते हैं, क्या मतलब उसका डिफरेंस क्या है नेक्स्ट से, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हेन वी आर यूजिंग स्ट्रिंग एक्सटेंसिवली इन आवर कोड, ओके। फिर आप यहाँ देखना है कि इंटर वैल्यू ऑफ, इंटर स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ कैपिटल एस करो, ठीक है। एंड यहाँ पे कर दो इसको स्ट्रिंग, डेटा टाइप स्ट्रिंग है, एस एस डॉट नेक्स्ट स्ट्रिंग, एस डॉट नेक्स्ट कर दो इसे, ठीक है। तो ये देखो हमने क्या क्या कर लिया, सबसे पहले हमने सीखा इस इनपुट कैसे लेंगे अपने अपने कोड, मतलब यूजर से इनपुट कैसे लेंगे। उसके बाद हमने देखा कि प्रिंट कैसे करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से करते हैं, प्रिंट एल एन, यहाँ पे देखो यार हमने एल एन यूज किया हर टाइम, एल एन एल एन यूज किया, मतलब ये नेक्स्ट टाइम आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये प्रिंट करेगा इंटीजर, इंटर इंटीजर वैल्यू पे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन आ जाएगा, फिर हम वहाँ से यूजर से अपना इनपुट लेंगे, ठीक है। उसके हमने लिखा, उसके बाद हम क्या करें, हमने ये देखा कि इंटीजर अगर वैल्यू है तो इनपुट कैसे, इंटीजर वैल्यू का इनपुट कैसे लेते हैं, मतलब क्या इनपुट लेंगे वहाँ पे, कैसे ले सकते हैं। तो हमने देखा कि यार अगर आपको इंटीजर इनपुट लेना तो आप देखो आपको जो इंट, आपको सबसे पहले क्या करो, आप इंट लिख दो, मतलब आपको इंटीजर लेना इनपुट, तो आप इंट लिख दो वहाँ पे, आप किस वैल्यू को लेना है उस वैल्यू को नाम लिख दो। मैंने बोला कि यार मुझे एक के लिए कुछ ए है, जो मेरे पास एक एक वेरिएबल है ए, मुझे उसके उसके लिए इनपुट चाहिए, मैंने लिख दिया इंट, जो कि इंटीजर ए लिख दिया ए, उसके आगे उसका इन डेटा टाइप, मतलब इंट, मतलब एक वैल्यू है ए जो कि इन डेटा टाइप का है। अब मुझे उसके उसके लिए मुझे इनपुट लेनी है, तो मैंने बोला कि जब भी आप इंट की बात करोगे तो आपको लेना पड़ेगा एस डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। तो वही हमने किया है, फोर डबल मैंने बताया कि एस डॉट नेक्स्ट डबल होता है, मतलब एस मतलब क्या यार, स्कैनर क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया एस, मैं अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसको एस एस की जगह एस सी एन कर लो, ए बी सी कुछ भी कर लो, जो भी आपको मन करे, ठीक है। तो वही हमने किया, इसको थोड़ा रन करके देखते हैं यार कि रन करेंगे तो कैसे क्या होगा। देखो अब मुझसे पूछा है ए की वैल्यू क्या है, मैंने बोला 10, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है, मैं बोला 20.0, क्योंकि डबल में है तो हम 20, मैंने क्या 20.0 दे दिया। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग मैं बोलता हूँ अभी राज कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यार सबसे पहले हमने इनपुट लिया, ए की वैल्यू 10 आ गई, डबल की वैल्यू 20 आ गई, स्ट्रिंग की वैल्यू क्या, देखो अब स्ट्रिंग मैंने बोला अभी राज वो आ गया। अब देखो उसके बाद क्या किया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ यार कि इन सबको प्रिंट कर दो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, उसके बाद क्या चाहता हूँ जो वैल्यू लिया है मैंने सारे वैल्यू को प्रिंट कर दूँ मैं, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, इसको कॉपी करो यहाँ से, प्रिंट करो प्रिंट करो प्रिंट करो, बस यहाँ हटा दो और हमें देखो कि क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम मैं चाहता हूँ कि यार एक अपने जो ए वैल्यू उसको प्रिंट करूँ, ठीक है। चलो ए के बाद क्या था हमारा, ए के बाद हमारा था बी, उसके बाद क्या था हमारा एस था। देखो सबसे पहले मैंने ए हमारा जो था इंटीजर, ये था डबल, एंड ये था हमारा स्ट्रिंग। एंड ये भैया ये क्या कर रहे हो आप, डबल मतलब दो स्लैश देख के कुछ उसके आगे कुछ लिख रहे हो, तो यार आपका ये कोड है, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी लिख रहे हो कोड कर रहे हो ना, अगर आपको कोड में कुछ ऐसे ऐसे चीज लिखनी है जो जो सिर्फ आपके समझने के लिए हो, तो आप क्या करो डबल लाइन दे दो, दो दो स्लैश दे दो, उसके आगे कुछ लिख दो। बेसिकली उसको कमेंट्स कहते हैं, मतलब कमेंट्स क्या कहते हैं कि जब भी आप कोड को दोबारा पढ़ोगे तो आप दे विल हेल्प यू टू रियलाइज व्हाट व्हाट यू हैव डन हियर,
आपको याद दिलाएगा कि मतलब क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको याद दिलाने वाला है कि क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो सब, ठीक है। इसके लिए मैं सिर्फ कमेंट लिखते हैं कि अपने हेल्प के लिए, बेसिकली इसका इतना काम है, ठीक है। तो देखो यार, अब हमने क्या किया, हमने अगर आपको देखो अब मैंने क्या किया यहाँ पे, यहाँ तो बोलोगे यार भैया आपने हेलो प्रिंट किया डबल ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर, यहाँ पे मतलब यार जब यहाँ पे ए प्रिंट करो बी प्रिंट करो एस प्रिंट करो बिना कोट्स के अंदर ही कैसे कर रहे हो। मैं बोलूंगा भाई कि यहाँ ना मुझे यार कुछ, यहाँ मुझे कुछ ऐसी वैल्यू प्रिंट करनी है जो कि पहले से डिफाइन नहीं है, जो कि मैं अपने लिए प्रिंट कर रहा हूँ, जो कि मैं चाहता हूँ कि यार प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको कुछ ऐसी वैल्यू प्रिंट प्रिंट करवानी है अपने कंसोल पे जो कि पहले से डिफाइन नहीं है, आप चाहते हो कि आप उसको प्रिंट करवाओ, तो आपको उस चीजों को ना डबल कोट्स के अंदर रख लिखना पड़ता है। बट यार यहाँ पे देखो ए बी और एस आपने पहले से उनकी वैल्यू दी हुई है, मतलब वो कोड में ना एज ए वेरिएबल काम पहले से कर रहे हैं, दे हैव यूज्ड इन योर कोड एज अ वेरिएबल, तो आपको वहाँ पे डबल कोट्स नहीं देना है, ठीक है। आपको सिर्फ वहाँ पे उसका नाम देना है, वो क्या होगा उससे जो भी नाम दोगे तो उस नाम के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो फिर से देखते हैं करके क्या कर सकते हैं। चलो हमसे इसने मांगा एक वैल्यू 10 दे दिया, इसकी वैल्यू 20.0 कर दो, इसकी वैल्यू कर दो अभिराज। अब देखो यार हेलो वर्ल्ड 10 20.0 एंड अभिराज, ठीक है। तो यही था आज के लिए, मतलब आज हमने सिर्फ ये दिखाया कि डब हम इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं, डेटा टाइप कैसे हो सकते हैं, मतलब इनपुट आउटपुट कैसे लेंगे यूजर से, डेटा टाइप कैसे हो सकते हैं, प्रिंट कैसे कर सकते हैं, एंड इक्लिप्स को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इतना ही था यार, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यार। एंड कोई भी डाउट हो यार तो टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया, आप वहाँ ज्वाइन कर लो, यू विल आस्क योर डाउट देयर, एंड वहाँ पे जो भी डाउट होगा आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम, ठीक है। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अब देखते कि तो यार नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि आप किसी और अच्छे प्रोग्राम के साथ मिलेंगे, एंड कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं, मतलब आप बेसिकली अब हम पूरे नेक्स्ट वीडियो से पूरे कोड पे चल जाएंगे, मतलब कोड एक्चुअली में कोड कर रहे हैं किसी किसी फंक्शन को या फिर किसी क्वेश्चन को कोड कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।